माय यूट्यूब चैनल। सो यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सो जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा था कि मैं बताऊंगी कि होममेड स्क्रब कैसे बनाते हैं, सो आज मैं बताने जा रही हूँ कि होममेड स्क्रब कैसे बनाते हैं। सो अगर आप लोगों का मतलब स्क्रब वब खत्म हो गया तो आप ये ट्राई कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी इसे ट्राई कर सकते हो क्योंकि जैसा कि ये होममेड है सो आपके स्किन को कोई हार्म नहीं देगा। सो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब, मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। अगर आपके ब्लैक हेड्स है तो वो हट जाएंगे एंड वाइट हेड्स भी हट जाएंगे। ब्लैक हेड्स अगर ज़्यादा डीपली है ना तो वो उतने अच्छे से हटते नहीं है, बट हाँ ये बहुत स्मूथ हो जाएगा ये पोर्शन एंड आपको पता चलेगा कि हाँ कि सही में ये यूज़फुल है या नहीं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्क्रब बनाने के लिए वो बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स है। सो उसके लिए आपको फर्स्ट चाहिए राइस फ्लोर, चावल का आटा। सो यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक कंटेनर में इसे स्टोर करके रख लिया और ये मैंने मार्केट से लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट में है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड, मैंने घर पर चावल को पीसा था। सो ये थोड़ा ये ज़्यादा भी ये थोड़ा दरदरा मैंने पीस लिया ताकि स्क्रब करने में ईजी हो। ये थोड़ा दरदरा फॉर्म में है बट वो जो मैंने मार्केट से लिया वो स्मूथ है। सो आपको दो चावल का आटा लेना है एंड थर्डली आपको लेना है बेसन, ठीक है। बेसन भी आपके घर पे होगा। एंड जो फोर्थ है वो आपको लेना है हनी। सो अब हम स्क्रब बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यू नीड अ क्लीन प्लेन बॉल, ठीक है। एंड इसमें आपको फर्स्टली यू हैव टू ऐड दिस राइस फ्लोर, जितना मीन्स आपके फेस के क्वांटिटी के हिसाब से आपको लेना है। सो मैंने इतना लिया है क्योंकि और भी तो चीज़ें मिक्स करनी है ना। सो आई टेकन दैट। एंड देन सेकेंडली मैं ये जो मैंने घर पे बनाया था ये मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा। सो आई हैव टेकन दैट। थोड़ा सा लेना है बेसन, थोड़ा सा लेना है, ठीक है। सब चीज थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेना है, ज्यादा नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट हमें ऐड करना है हनी। सो यहाँ मैंने पतंजलि का हनी यूज किया है। आप लोग चाहे तो डाबर का यूज कर सकते हो या कोई भी, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो यहाँ मैंने हनी लिया है, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। एंड लास्टली आपको लेना है एलोवेरा जेल। ये मेरा खत्म होने को आया है तो लास्टली आपको ये एलोवेरा जेल लेना है थोड़ा सा। एंड देन यू हैव टू मिक्स इट। सी यहाँ मैंने ले लिया है, ठीक है, यू कैन सी। एंड यू हैव टू मिक्स इट विथ वाटर, आपको इसे मिक्स करना है। आप वीक में एटलीस्ट 2-3 बार तो स्क्रब जरूर करें बिकॉज फेस के लिए बहुत अच्छा होता है स्क्रबिंग। क्या होता है ना, जो एक्स्ट्रा मीन्स क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह भी निकल जाता है एंड स्किन स्मूथ रखता है। सो थोड़ा थोड़ा पानी लेके आपको इसे मिक्स करना है एंड एक पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। एंड इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी है, जब तक आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होंगे ना फेस के आपकी डेड स्किन नहीं निकलेंगे। और देखोगे आप ऐसे में आप अपना फेस छुओगे ना थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ है इस टाइप से लगेगा, बट व्हेन यू विल डू द स्क्रबिंग ना, स्क्रबिंग के बाद लगेगा उफ कितना स्मूथ हो गया है फेस, ऐसा फीलिंग आएगा। सो अब अप्लाई करते हैं।
ब्रश से अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज़ स्क्रबिंग तो हाथ से करना, ब्रश थोड़ी आपका स्क्रब कर देगा। सो दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग विद माय हैंड। सो स्क्रब हो गया है एंड अब मैं फेस को जस्ट पानी से वॉश करके मिलती हूँ आप लोग से, ठीक है। जस्ट मैंने फेस पे पानी ले लिया है, सो जितना भी फेस का एक्स्ट्रा वाटर है ना, हमेशा यू नो डैबिंग मोशन में ही उसे हटाएं, बिकॉज अगर आप ऐसे से हार्श मत हो रहा। फेस क्लीन लग रहा है ना, यू कैन सी, एंड यू नो इतना स्मूथ लग रहा है फेस, इतना स्मूथ। देखो नोज एरिया पे ग्लो कर रहा है, यहाँ पे ग्लो कर रहा है, फेस ग्लो कर रहा है। सो गिव इट अ ट्राई जस्ट फॉर योर सेक, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो एंड यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मतलब कैसा लगा होममेड स्क्रब। बट सीरियसली यार, इतने थोड़े ज़्यादा देर बट स्क्रब ज़रूर करना है, ये नहीं कि मतलब एक मिनट स्क्रब कर लिए एंड आप चाहते हो कि आपका चेहरा एकदम स्मूथ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है अपने फेस को। सो प्लीज़ 5 to 10 minutes आप अच्छे से अपने फेस को लाइट हैंड मोशन में स्क्रब करो, ठीक है, एंड देन आप वाटर पानी से वॉश कर लो एंड देन यू विल फील द डिफरेंस, सच बता रही हूँ। सो पहले मेरा कुछ फेस कैसा दिख रहा था एंड अब कैसा दिख रहा। सो ये था आज का वीडियो एंड जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था कि मैं हाँ होममेड स्क्रब ज़रूर बताऊंगी, सो मैंने वीडियो तो बना दिया एंड आपका काम है अब लाइक करना, वीडियो सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पहले से वीडियो पे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।